बिहार तो शिक्षा में ध्वस्त हो गया है। पिछले 16 साल से यहाँ पर शिक्षा पर कोई काम नहीं किया गया है, स्वास्थ्य का वही हाल है। बिहार की जो वास्तविक घटना है उससे भी अनभिज्ञ बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं, या सत्ता में सिर्फ किस तरीके से बने रहें, अपनी कुर्सी किस तरीके से बची रहे, बस इसके ही चिंता में रहते हैं। पूरा बिहार में हाहाकार था कल आदेश जी, और रोजगार के लिए जब वैकेंसी आप निकाल रहे हैं तो सही समय पे उसका एग्जाम क्यों नहीं हो रहा? अगर सही समय पे एग्जाम ले रहे हैं तो प्रश्न पत्र कैसे यहाँ पर पर्चा पहले क्यों लीक हो जा रहे हैं? अगर यह राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित है, अगर इनके सत्ता के लोग इसमें शामिल हैं, अगर बीपीएससी के इसमें अधिकारी की संलिप्तता है, तो समझिए कि बिहार पुलिस के माध्यम से इसकी लीपापोती हो जाएगी। योगी मॉडल के तर्ज पर एकदम घर को निस्तनाबूद कर दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24, मैं हूं आदेश पुरी। कल यानी कि 8 मई को बिहार में एक ऐसा घटना घटा जो कि पिछले 73 साल में नहीं हुआ था। बीपीएससी राज्य का सर्वोच्च भर्ती आयोग है और उसके द्वारा लिए गए 67वीं पीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले वायरल हो गए। आपको बता दें कि उसके बाद जो है आनंद फानंद में कार्रवाई की गई और परीक्षा को रद्द कर दिया गया। लेकिन ये सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है कि सुशासन की बात करने वाले सरकार में ऐसा घटना क्यों हो गया? हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह जी, इनसे हम बात करेंगे क्योंकि घटना जो है वो बहुत बड़ी है। चंदन जी, सबसे पहला प्रश्न कि जंगल राज में जो घटना नहीं हुआ वो सुशासन में हो गया, क्या कहना है? देखिए आदेश जी, बहुत बड़ी घटना है और बिहार के वो तमाम छात्र जो इस परीक्षा में शामिल थे बहुत दुखी हैं और अपने भविष्य को लेकर बहुत आशंकित हैं कि बिहार में लगता है कि कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक हुए हो नहीं सकता है, कोई भी सरकारी नौकरी बिना घूस दिए हुए हो नहीं सकता है। तो जो बिहार के नौजवान हैं वह बहुत डरे हुए और सहमे हुए हैं। और देखिए, एक बहुत बड़ी घटना जो कल हुई, पूरा देश इसको देखा और बिहार शर्मसार हुआ पूरे देश भर में। जो तस्वीरें यहाँ से निकल कर जा रही थी या पहले जो जाती थी, ये सुशासन की राज में वो घटना हो गई जो जंगल राज कहे जाने वाले सरकार में भी नहीं हुई थी। और 12:45 में हमको लगता है कि आदेश जी, आपने जो स्टोरी किया उसको हम लोग देख रहे थे, करीब 12:15 में आपने घोषणा कर दी कि यह पेपर वायरल हो गया है। हमको लगता है कि 8:30 रात के 8:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि हमको अभी अभी जानकारी मिली है। देखिए, बिहार का जो नेतृत्व कर रहे हैं, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, जब वो कहते हैं कि हमको अभी अभी जानकारी मिली है, तो यहाँ के जो नौजवान हैं, छात्र हैं, अपने भविष्य के प्रति कैसे विश्वास वो करें कि हम सही हाथों में, हमारे जीवन की डोर है। एक तो रोजगार आप सृजन नहीं करते हैं और बीपीएससी जैसे जो संस्था है, आयोग है, वो बहुत बड़ी प्रतिष्ठित आयोग माना जाता है। यहाँ पे विद्यार्थी यह कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इसका भी पेपर लीक हो सकता है। लीक होने के बाद सरकार कह रही है कि बीपीएससी भी कह रही है कि हम जांच करवा रहे हैं और बीपीएससी ने इस मामले को डीजीपी को दे दिया है कि साइबर सेल पे करें आप, और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को दिया गया है इसे जाँच करने का जिम्मा। क्या लगता है कि पूरा मामला साफ हो पाएगा इससे? नहीं, देखिए, देखने से तो लग रहा है आदेश जी स्पष्ट रूप से कि सरकार और आयोग लीपापोती करना चाहती है। आप डीजीपी से आग्रह कर रहे हैं कि आप इसका जांच करें, इसका जांच सिर्फ सीबीआई ही कर सकती है और दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। क्योंकि देखिए, सप्लाई ऑफ जो चेन है, जहां प्रश्न पत्र छप रहे हैं, वो जवाबदेही किसकी थी छात्रों तक पहुंचाने के लिए? तो इसमें कुछ लोग जो आरा के सेंटर पे हम लोग देखे विजुअल के माध्यम से कि कुछ लोग को विशेष वहाँ पर छूट दिया जा रहा था, तो बहुत सारी इसमें गड़बड़ियाँ हैं और वो बिहार पुलिस से तो संभव नहीं है। ये सीबीआई से अगर राज्य सरकार अनुशंसा करें, माननीय मुख्यमंत्री जी के अगर मन में है कि यह बहुत बड़ी गड़बड़ी है और इसकी जाँच निष्पक्ष होनी चाहिए, तो उनको सीबीआई की अनुशंसा करनी चाहिए। अगर यह राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित है, अगर इनके सत्ता के लोग इसमें शामिल हैं,
अगर बीपीएससी के इसमें अधिकारी की संलिप्तता है तो समझिए कि बिहार पुलिस के माध्यम से इसकी लीपापोती हो जाएगी, कुछ निकलकर सामने नहीं आएगा। चूंकि कुछ पेडलर होंगे, जो छोटे मोटे जो ब्रोकर होंगे, उनकी बलि जरूर चढ़ाई जाएगी, लेकिन बड़े बड़े जो इसमें मगरमच्छ हैं, जो किंग पिंग बैठे हुए हैं, वो बच जाएंगे। आपने चेन का बात किया और आउट होने का बात किया क्वेश्चन, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार के जितने भी परीक्षा हैं सभी पर उंगलियां उठती हैं, तो क्या बीपीएससी ही नहीं बल्कि सारे जो आयोग हैं उन सभी पर जांच बैठाना चाहिए सरकार को, अगर चाहती है ईमानदारी से ये खत्म हो? देखिए, बिहार में किसी भी एग्जाम को उठाकर आदेश जी आप देख लीजिए, उसका प्रश्न पत्र पहले लीक हो जाता है, कुछ ना कुछ धांधली के आरोप छात्र लगाते हैं, इसीलिए तो न्यायालय की शरण लेते हैं। आप ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स है, उसको 6 साल 7 साल में भी आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। एक साधारण सा मैट्रिक के एग्जाम में आपको वो तस्वीरें हाजीपुर की याद होंगी कि जहां सीढ़ी लगाकर लोग चीटिंग करा रहे थे, ये पूरे देश भर में वायरल हुई थी ये तस्वीर। तो बिहार तो शिक्षा में ध्वस्त हो गया है, पिछले 16 साल से यहां पर शिक्षा पर कोई काम नहीं किया गया है, स्वास्थ्य का वही हाल है। हम लोग तो रात दिन इस पर आदेश जी प्रश्न उठाते रहते हैं, और शिक्षा के बारे में तो हमको तो नहीं लगता है कि आपसे ऊपर कोई पत्रकार होगा, जितना आप समय इसमें देते हैं। तो ये तो पूरा देश स्तब्ध है, मतलब बिहार की डिग्रियां बाहर अब लोग मान नहीं रहे हैं, हालात ऐसे बन गए हैं। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप सुशासन का हवाला देते हैं, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, यह खोखली साबित हो रही है। लोजपा रामविलास क्या मांग करती है इस मामले को लेकर, जो बिहार में अभूतपूर्व ये घटना घटी है उसको लेकर? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने ही कल ट्वीट किया, और बिहार के जो मेघावी छात्र हैं इनके भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। चूंकि लगातार हमारे नेता यह प्रश्न उठाते रहते हैं सरकार से कि सही समय पर बिहार में पढ़ाई कोर्स क्यों नहीं पूरा होता है, यहाँ 19 लाख रोजगार का जो वादा वर्तमान सरकार की थी वो कहाँ है रोजगार? और रोजगार के लिए जब वैकेंसी आप निकाल रहे हैं तो सही समय पर उसका एग्जाम क्यों नहीं हो रहा? अगर सही समय पर एग्जाम ले रहे हैं तो प्रश्न पत्र कैसे, यहाँ पर पर्चा पहले क्यों लीक हो जा रहे हैं? बहुत सारे प्रश्न हैं। यह माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के 13 करोड़ आवाम के गार्जियन हैं, अगर अभिभावक को ही नहीं पता हो कि इतना महत्वपूर्ण बिहार लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम है उसके प्रश्न पत्र लीक कर जा रहे हैं और उनको जानकारी नहीं है, इसका मतलब है कि बिहार के विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी की रुचि खत्म हो गई है। शाम को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्हें पता चला है, और आपको बताएं कि दिलीप ने, जो छात्र नेता हैं जिन्होंने मामला को ऊपर उठाया, वो 11 एग्जाम शुरू होने से 11 मिनट पहले जो है सीएम साहब को ईमेल कर चुके थे। क्या ईमेल भी कोई वहाँ चेक नहीं करता है सीएम सेक्रेटेरिएट में? ना ईमेल चेक होता है, ना ट्विटर चेक होता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी हमको लगता है कि समाचार भी नहीं देखते हैं, न्यूज भी नहीं देखते हैं। बिहार की जो वास्तविक घटना है उससे भी अनभिज्ञ बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं, या सत्ता में सिर्फ किस तरीके से बने रहें, अपनी कुर्सी किस तरीके से बची रहे, बस इसके ही चिंता में रहते हैं। पूरा बिहार में हाहाकार था कल आदेश जी, पूरे बिहार के छात्र अलग अलग जगह से दूर दूर से जाकर एग्जाम दे रहे थे, कितनी परेशानी से। और आप समझ लीजिए कि एक छात्र जब पढ़ाई करता है आदेश जी, वो पिता के सपने, माँ के जेवर और पूरा अपना संपत्ति समझिए कि दाव पे लगाकर वो तैयारी करता है, कितना मेहनत किया था। और हम तो वो विजुअल भी देखे कि बहुत सारे छात्र सेंटर से बाहर निकलकर बोल रहे थे कि एग्जाम बहुत अच्छा गया है, न जाने कितने लोग कल तो खाना नहीं खाए होंगे जो छात्र होंगे, कितने परिवार में, मतलब आप समझिए कि ऐसा शोक होगा जैसे कि कोई डेथ कर गया है। तो ये हालात हैं बिहार के, बहुत दयनीय है, और हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे इसमें सोचने और समझने की अब इसमें गुंजाइश नहीं है, और तमाम वैसे पॉलिटिकल पार्टी से आग्रह करेंगे कि एक सुर में सीबीआई जांच की मांग कीजिए, और इसका एक समय निर्धारित हो इस जांच की, और इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं
वह बिहार लोक सेवा आयोग के अंदर के हों, बाहर के हों, या सत्ता के नजदीक के लोग हों, उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करके उनके घर को निस्तनाबूत कर देने की जरूरत है। योगी मॉडल के तर्ज पर एकदम घर को निस्तनाबूत कर दीजिए। तो घर को निस्तनाबूत कर दीजिए ये मांग कर रही है लोजपा, रामविलास। अब देखने वाली बात है कि इस पर आगे क्या होता है, लेकिन सरकार जो है प्राथमिक रूप से इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को दिया है जांच करने के लिए, और वो पता लगाएगी कि आखिर गड़बड़ी कहां से हुई और इतना बड़ा बलंडर बिहार में हो गया। और सीबीआई जांच की मांग जो है लोजपा रामविलास के द्वारा की जा रही है कि सीबीआई की जांच हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।